हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और टेंथ तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और सेवन्थ और एट्थ का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, नेट प्रॉब्लम थी और गांव में है इसलिए नेट प्रॉब्लम होती है। और आज क्लास सेवेंथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड जो है तो करने वाले हैं। और क्लास सेवेंथ इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड का ये है और इसमें अच्छे से सॉल्व करना है या एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। पार्ट वन है, पार्ट टू जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूँगा। कमेंट की बरसात ही तो लगा दी थी आपने। आप चलिए और सॉल्व इसको देख लेते हैं। लेटेस्ट लर्न में द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत समय मतलब सल्तनत पीरियड में उस समय में कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था भारत में, यह हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है। और द चेंजेस टुक प्लेसेस इन द सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल, जो सामाजिक मतभेद और आप कह सकते हैं कि आर्थिक यानी पैसे वाले माध्यम से, और आप ये भी कह सकते हो धार्मिक यानी धर्म के लिए लड़ाई जैसे होती है ना, तुम इस धर्म के हो हम इस धर्म के हैं, है ना, तुम गंदे हो हम अच्छे हैं, ऐसा है ना। अब चलिए तो ये जो है तो पढ़ने वाले हैं और मेन फीचर्स पढ़ने वाले हैं भक्ति मूवमेंट जो भी है उसके मेन फीचर्स, तो सभी को क्लियर करेंगे अच्छे से फ्रेंड्स। तो आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो। और चलिए आगे बढ़ता हूँ। During 320 years of Sultanate rule, the Muslim rulers brought many changes in the administration as per their traditions and needs. Likewise, many changes come about in the Indian society and culture, language, literature, architecture, religion, etc. After coming in contact with the Muslim, 320 साल से पहले या during 320 सालों में सल्तनत का जो रूल रहा है मुस्लिम जो उसमें है मुस्लिम शासक, उसमें मुग़ल शासकों का बहुत रोल रहा है उस पर, जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर, शाहजहां, है ना, ये सब इनका रोल बहुत है। और लाइकवाइज मैनी चेंजेस यानी कि एक तरह से आते गए हैं और बहुत सारी लैंग्वेज को बनाए, साहित्य में विकास करवाए और बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर यानी जैसे ताजमहल वगैरह वगैरह बनवाए और अच्छा धर्म भी आए इस पीरियड में, है ना, जैसे भक्ति मूवमेंट वगैरह आए, हिंदू के भी बहुत धर्म आए और मुस्लिम के भी। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं जो कि मैन हमें पढ़ना है इस चैप्टर पर। द सुल्तान वाज ऑल पावरफुल, जो सुल्तान हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन पावर यानी होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर यानी होता है राजनीतिक सभा गठन ये कहें कि जो भी हमारा प्लान है कि हम इस तरह हमारे जो मान लीजिए हमारे एमपी में, तो एमपी में यह एडमिनिस्ट्रेशन यह है कि सीएम जो होगा तो मुख्य होगा, इसके बाद विधायक होंगे, इसके बाद आपके विधायक से पहले एक रहेगा मुख्यमंत्री, सांसद रहेगा, मुख्यमंत्री है ना, विधायक और सरपंच, इस तरह चलते जाएंगे, जनपद पंचायत इस तरह चलता है। अब इस तरह चलता था, पहले राजाओं का चलता था तो राजा मुख्य हुआ करते थे, मुख्यमंत्री समझ लीजिए। ही वॉज बिलीव्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और ये गॉड पे भरोसा करते थे। आफ्टर ही असेंडेड द थ्रोन, जब ये क्या किए कि थ्रोन को असेंड कर दिए मतलब कि नहीं रहे, द खुतबा जिसे कहा जाता था वाज रीड इन हिज नेम एंड न्यू कॉइन्स वर आल्सो इशू,
यानी इसके नाम से एक कॉइन इशू हो गया, और फ्रेंड्स खुतबा के नाम से खुतबा इस तरह का कॉइन था इस तरह, और इस पे लिखा हुआ था इस पे खुतबा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ खुतबा खुतबा। अब देखिए खुतबा को समझने के लिए हमें खुतबा जो है तो समझने के लिए ये कुछ है खुतबा इस तरह कॉइन थी आपकी, है ना। अब देखिए द वजीर उलेम एंड नोबल्स असिस्टेड हिम इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, मतलब कि जैसे एक जज हो गया, जज में दो तीन वकील होते हैं और उसे पार्टीज होती हैं विरोधी, है ना। तो वो जो वकील हैं उनका काम रहता है जज को बताना, वैसे ही राजा को कौन बताता है, तो राजा को बताता है एक वजीर उस समय पर बताया करता था, अब नहीं बताता है, बताया करता था कह सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। उलेम और बहुत सारे मंत्री होते हैं उनके संबंधित, मंत्री गठन होता है वहाँ पे, और उलेम होते हैं, उलेम ये मुख्य होते हैं आपके। अब देखिए अब आपका फोर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से उसको देख लेते हैं। फोर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कौन कौन सा है, तो वो जो है तो पहला है रेवेन्यू एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पैसे वाला समझ रहे हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, और मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना, सब सिपाही वगैरह का जो डिपार्टमेंट, द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड एजुकेशन, फोर डिपार्टमेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनको याद रखें, ये आते हैं पेपर पे, ओके। और दीज डिपार्टमेंट्स वर नोन एज दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत ओके, दीवान ए विजारत के नाम से यह बहुमूल्य जो हुआ करती थी जितने भी इमारतें। चलिए मैं अपना पेन ले लेता हूँ, अभी तक तो हैंड से होता था, और इस पे जो है तो एक और बनाया गया आपका, इस पे दीवान अर्ज भी कहा गया। बहुत सारे लोग थे जो अपने अपना राय रखने का, मतलब वहाँ पे आया था, आप अपनी राय रखिए, तो ये मैं सबका नाम यहाँ लिखूँगा, दीवान बिजारत तो लिख दिया, दीवान ए अर्ज अब है दीवान ए इंशा के बाद है दीवान मैं आपको इरेज करना चाहता हूँ, थोड़ी इरेज प्लीज तो मैं दीवान ए लिखे रहूँगा और बाकी सबका बदल दूँगा, आप अपने में लिख लीजिए। अब देखिए दीवान ए इंसान हो गया, दीवान ए विशालत दीवान ए विशालत अब हो गया। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इंटू सिक्स इंटू प्रागनंस, द हेड्स ऑफ द प्रोविनेंस वर कॉल्ड वाली मुफ्ती, द सिक वॉज हेडेड बाई सिकंदर एंड प्रागना वॉज हेडेड बाई एन
ml, तो अगर आपको जल्दी मतलब सुनने की आदत है तो आप 1.25x पे चेंज कर लें, बाकी हमें तो नॉर्मल है बोलना पड़ेगा। तो 6 और 6 पे डिवाइड कर दिया गया प्रगंस को, कैसे डिवाइड किया गया वो आपको अगली कक्षाओं में पढ़ना पड़ेगा, भी ज़्यादा जोर नहीं देना है। और इसके जो हेड हुआ करते थे वो बालियो मुफ्ती हुआ करते थे, और सिख को जो मतलब इनके हेड तो वाली मुफ्ती, इनके हेड जो हुआ करते थे सिकदर प्रगनेंस के वो आमिल कहा करते थे। एक ब्लू पॉइंट में है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देख लीजिए, आप लोग तो एक्सेलेंस का एग्ज़ाम देते ही होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं इसके लिए। इन द 13th सेंचुरी, इन दी 13th सेंचुरी द सुल्तान डिवाइडेड देयर किंगडम इंटू मिलिट्री एरियाज। 13वीं शताब्दी में जो सुल्तान थे उन्होंने अपने किंगडम्स को मिलिट्री एरियाज में डिवाइड कर दिया, और उनके जो दिस वार नोन एज इक्ता, और उनको उन्होंने इक्ता कहा। द होल्डर्स ऑफ इक्ता वर कॉल्ड इकाटर्स। ओके, तो उनके जो होल्डर्स हुआ करते थे इक्ता के वो क्या क्या कहा करते थे, वो इक्तादर्स कहा करते थे। इट वॉज स्टार्टेड बाई इल्तुतमिस, यह इल्तुतमिस द्वारा पहली बार शुरू किया गया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर, सोसाइटी उनकी कैसे थी, हमने बोला था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे, रिलीजियस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो उनके 2 मैन ग्रुप्स हुआ करते थे पॉपुलेशन के, एक मुस्लिम और हिंदू, और इनके जो एरिस्टोक्रेट्स थे, है ना, एरिस्टोक्रेट्स कहा होता है, इसका मीन्स होता है एरिस्टोक्रेट्स का अमीर और सरदार, या गरीब इसमें नहीं आया करते थे। फॉलोवेड द सुल्तान्स एंड लाइव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, यानी होता है लग्जरी एंड स्प्लेंडर, यानी अमीरी और आलसी वाली लाइफ, मतलब कि ये कहें कि सब कुछ इनको पका पकाया मिल जाता था, इनको कोई किसी चीज़ की मेहनत नहीं पड़ती थी, वो होते थे कि लग्जरी, जैसे कहते हैं लग्जरी लाइफ जी रहा है, मतलब कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए सॉरी, ये लगता है मैंने से सेकंड पेज नहीं है, देख लेता हूँ एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही पेज है, कोई दूसरा पेज नहीं था, मैंने चेक किया। अब देखिए, द ब्राह्मिन्स एंड उलेमस, जो ब्राह्मिन्स थे यानी ब्राह्मण, जिसे आप लोग कहते हो आजकल ब्राह्मण, ब्राह्मण और क्या कह सकते हो, और तो उलेमस, उलेमास नहीं कह सकते, उलेमस, उलेमस, ओनली उलेमस। अब वर लुक्ड अपन विथ रिस्पेक्ट, इसका समझ में आ गया होगा, मेरे कहने का मतलब है कि उलेस जो हुआ करते थे और ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, जो कि अब भी दिया जाता है, पर उलेस उलेमास को इतना नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण को दिया जाता है थोड़ी बहुत जो भी है, ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा दिया करता, मतलब उस टाइम ब्राह्मण को एक तरह से भगवान माना जाता था। थर्ड है, द कास्ट रूलर वर स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि कास्ट जो रूल हुआ करता था वो मतलब बहुत ही कठिन उनको फॉलो कराया जाता था कि आप इस धर्म के हो ये रूल अपनाओ, इस धर्म के हो ये रूल अपनाओ। द वुमेन डिड नॉट एन्जॉय मच फ्रीडम एंड पर्दा सिस्टम बिकम अ वेरी कॉमन, मतलब उस समय पर्दा सिस्टम था, बहुत ज़्यादा पर्दा सिस्टम था, और उस समय तो ये भी था कि अगर किसी का पति नहीं है तो उसको भी उसी समय जला दिया जाएगा, ये सब का सिस्टम था, और इसको फिर हमारे राजा राम मोहन और सरस्वती, है ना, अब बहुत लोग आए और इसका विरोध किए और इसको हटवाए, तो प्रशंसनीय है वो। और वो फ्रीडम जो वुमेन हुआ करती थी वो फ्रीडम में नहीं रह पा करती थी, सिर्फ पुरुष हुआ करते थे जो फ्रीडम में रहते थे, वो भी पुरुष ज़्यादा जो प्रजा हुआ करती थी वो ज़्यादा नहीं रह पाती थी, उसमें राजा जो है तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया करते थे, कोई जो खराब हुआ करते थे, बाकी जो अच्छे होते थे तो वो तो समझदार हो तुम। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी एंड सती सिस्टम वाज प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी, मतलब कि अभी अभी मैंने जो बताया सती सिस्टम, सती सिस्टम मतलब तो अभी अभी बता दिया कि जो जिसका पति नहीं है वो भी नहीं है, और चाइल्ड मैरिज हुआ जाती है, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था सोसाइटी में,
कुछ जो थे जो इसको नहीं अपनाया करते थे और इस पे विरोध किया करते थे, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी और सती सिस्टम पे। तो फिफ्थ क्या है, द मुस्लिम्स रूलर्स फॉलोवेड द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग स्लेव्स, यानी आलसी, आलसी या ये कहे लग्जरियस लाइफ, वो काम नहीं किया करते थे और हिंदू को मार के है ना बाकी सब सिस्टम समझ रहे हो आप उनका। तो और ये इस पर ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा ये नहीं था कि वो हिंदू को परेशान करते थे, हिंदू भी उनको परेशान किया करते थे, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी इस पर। और जो मुस्लिम रूलर्स होते थे बहुत अच्छे भी होते थे, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ तो सभी गंदे, 90% की बात होती है, 10% की तो बात ही नहीं होती है। दे हैड अ लार्ज नंबर आप स्लिप्स, स्लिप्स पे आप अच्छे, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग जानना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। एक हमने अभी एप्लीकेशन आपको दी है, हमारे जो है तो इंस्टाग्राम में वो आ चुकी है और टेलीग्राम में मैंने उसकी एडवाइस डाउनलोड करने दे दी है। फ्रेंड्स आप उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी अंग्रेजी पढ़ लीजिए। और उसका नाम है यू डिक्शनरी, यू डिक्शनरी ऐप। आप लोग सोचते हो सर ये क्या कह रहे हो, यू डिक्शनरी तो बंद हो गया, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो आपको बता दूं कि मैंने अपने लिंक से प्ले, मतलब उसको ऑब्वियसली जो पुराना वाला था मेरे पास था और मैंने दे दिया है क्योंकि प्ले स्टोर पर नहीं है। तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यू डिक्शनरी नहीं है, प्रॉब्लम होती है सर अगर आपके पास हो तो मैंने दे दिया है। आप जो है तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे भी ले सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम से जुड़कर उससे या टेलीग्राम से, है ना। इट सेड द फिरोज शाह हैड 180,000 स्लेव्स, मेरे अंजाद से स्लेव की जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ पास, तो जो फिरोज शाह हैं उन्होंने 180,000 स्लेव्स, यानी मेरे अंजाद से इसमें कुछ पैसे वाला कार्यक्रम है। देखिए ब्लू लाइन को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, द ट्रेवलर फ्रॉम मोरोको, मोरोको से जो भी ट्रेवलर्स हुआ करते थे वाज इम्प्रेस्ड बाय द हिंदू हॉस्पिटलिटी, वो हिंदू हॉस्पिटलिटी को ज़्यादा इम्प्रेस किया करते थे, मतलब ये कहें कि उनको पसंद किया करते थे, आकर्षण था उस पर। इकोनॉमी क्या था थर्ड नंबर पे, हमने बताया कि हमने आर्थिक व्यवस्था भी पढ़ना है इसमें, चलिए पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट है द लाइफ इन द विलेज कंटिन्यूड एज बिफोर, एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो इसमें कह रहा है कि जो लाइफ है विलेज वालों की जो लाइफ थी वो कंटिन्यू, तो आप लोग जान ही रहे हो कि वो सिर्फ एक ही काम किया करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी, कृषि क्षेत्र पे, और वही उनका मेन काम हुआ करता था। सेकंड कह रहा है, चलो फटाफट पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। ट्रेड फ्लोरिस्ड इन सिटीज ब्रोच, खम्बत, मुल्तान, लखनौती, सुनरगांव, इटीसी वर इम्पोर्टेंट सिटीज एंड पोर्ट्स। मतलब इसमें कह रहा है कि बहुत सारे सिटीज़ में क्या था, ट्रेड लगाया गया था या बहुत सारी टैक्स भी लगाया गया था, ऐसा उस पर तो लगाया ही जाएगा, उसमें कोई है ना, वो भी इकोनॉमिक का क्षेत्र ही था, गवर्नमेंट या राजा, गवर्नमेंट तो उस समय थी नहीं राजा के लिए। आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो गवर्नमेंट का रूल है वही उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन रूल था, और आपका जो व्यापार है उस समय तो इतना व्यापार विकसित नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा विकसित था उस समय के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इस पे जो है तो इस पे प्रॉब्लम्स है, और जैसे मैंने बताया नेट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और स्टोरेज भी नहीं है हमारे में ज़्यादा। तो चलिए सेकंड बता रहा था कि ट्रेड जो है तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था और उस समय पर, उस समय के अकॉर्डिंग, है ना। थर्ड क्या है कि थर्ड है कि जो भी कलाकार थे, कलाकार मतलब समझ रहे हो चित्रकला के, चित्रकला के, चित्रकला, है ना, और भी बहुत सारी कला होती हैं आप जानते हो, डांस, है ना, सिंगिंग और खेल इस समय। तो यहाँ बताया गया है कि उस समय के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज़, वह डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ यानी एक शहर पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहे, मतलब अलग अलग जगहों पर रहते थे, निवास किया करते थे। देवर कॉलोनीज ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड वेवर्स, उनकी जो कॉलोनी थी मतलब जहाँ वो रहते थे सोसाइटी में, वो गोल्ड स्मिथ थी, ब्लैक स्मिथ और वेवर्स की सोसाइटी थी। अब
फोर क्या है? तो फ्रेंड्स फोर जो है, द गुड्स वर ब्रक एंड सोल्ड एट द हॉट बाजार। दिल्ली वॉज अ ग्रेट ट्रेड सेंटर, वो गुड्स वर्ड वर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो उनकी मटेरियल, गुड मटेरियल, ये कहें कि अच्छा मटेरियल जो हुआ करता था बेचने लायक, उसको लोग दिल्ली बाजार पे हॉट बाजार पे बेचते थे। हीट मैंने बोल दिया गलती से। और वो बहुत ही ग्रेट सेंटर था दिल्ली का, है ना, ट्रेड सेंटर है दिल्ली अभी भी है। वेयर गुड्स वर ब्रक्ट फ्रॉम, पर यह है कि दिल्ली में लुटाई बहुत है भाई, दिल्ली जाना तो बच के रहना, चोरी बहुत होती है। वर गुड्स वर ब्रक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली से बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है तो भेजा जाता था, है ना। अब देखिए, फिफ्थ क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड फ्लारिश्ड इन इंडिया बोथ बाय द लैंड एंड सी रूट। जो मतलब ट्रेंड इंडिया का ट्रेड है, या ये कहें कि जो व्यापार सिस्टम है भारत का, वो कैसे हुआ करता था? तो फ्रेंड जानते हैं कैसे हुआ करता था फ्रेंड, तो एक लैंड टू लैंड रोड से हुआ करता था, या वन मिनट, एक रोड से और एक सी से, जहाज़ों से, है ना। अब चलिए, इस पे बस इतना ही बताया गया है, और इसमें मैंने इटका बताया कि क्या क्या बेचे जाते थे भारत के बाहर, या भारत के अंदर ही एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्या क्या इम्पोर्ट किए जाते थे। ग्लास वेयर्स और हॉर्सेज जो था इम्पोर्ट किया जाता था, मतलब दिया जाता था, और लिया क्या जाता था, कॉटन, सिल्की, आर्यन, हर्प, मेटेलिक, बेसल्स, इबोरी, इटीसी, है ना, ये हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ग्लास बियर्स और जो है तो हॉर्स को इम्पोर्ट किया जाता था फॉरेन में, हम लोगों इंडिया से, ओके। अब मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू का, वो हम देख लेते हैं। तो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, 73 पेज नंबर खोले हो ना आप। मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट वाज टैक्स ऑन अ लैंड, मैंने बताया था टैक्स बहुत लेते थे लैंड में, जो भी टैक्स लिए करते थे वही उनका मेन रेवेन्यू स्टेट का हुआ करता था। और विच वाज 1/2 और 1/3, 1/3 और 1/2 उसका टोटल प्रोड्यूशन था या प्रोडक्शन था। उसकी अदर सोर्स रेवेन्यू के जो थे, इरीगेशन थे, टोल टैक्स थे, और मिनरल एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह थे। और ब्लू पॉइंट देख लेते हैं, हिंदूज और नॉन मुस्लिम के जो जजिया टैक्स और मुस्लिम टैक्स को पे किया करते थे, जिसको जाकर टैक्स, है ना, मुस्लिम जो थे वो क्या किए करते थे, जाकर टैक्स पे करते थे, और जजिया टैक्स जो है तो हिंदू पे किया करते थे। अब सेकेंड क्या है, इबन बतूता डिस्क्राइब्स दिल्ली एज द मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी, है ना, दिल्ली को बहुत ही अलग सिटी में बता दिया था इवन बतूता ने, और बहुत अच्छा बताया था। गुड्स फ्रॉम ऑल द ओवर द कंट्री रीच दिल्ली, मतलब जितना भी अच्छा चीज़ मिलेगा वो दिल्ली में ही मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब देखिए थर्ड, द सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टंका एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड दिरहम। सुल्तानों ने क्या किया कि सिल्वर को कह दिया कि जो सिल्वर कॉइन्स होंगे उनको हम लोग टंका कहेंगे, और जो कॉपर होंगे उनको क्या कहेंगे, दिरहम कहेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब चलिए, लैंग्वेज लिटरेचर एंड साइंस। फ्रेंड्स प्लीज यार, सिब्रल आर्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दो यार, और इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ यार, प्लीज जल्दी से फ्रेंड्स फटाक से जुड़ जाओ और पढ़ो बेस्ट, बिकॉज हम आपकी पढ़ाई के लिए है, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं बिकॉज योर लक्स, है ना, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो सक्सेस है वही हमारी सक्सेस है, है ना। द टेम्पल एंड मॉस्क्यू वर द प्राइमरी एजुकेशनल सेंटर्स इन सम प्लेसेस, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो इस्टेब्लिश्ड। फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार, कि कुछ दिनों में क्लास टेंथ के भी हम जो है तो पाठ्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये ज़्यादा हम लोग का पाठ्यक्रम सेवेंथ का रहा नहीं है, और हम टेंथ का पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी टेंशनाइज इन दिस स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट जो हैं बोर्ड में, उनके लिए उनकी ज़िंदगी बहुत ही मायने रखती है। आपके तो मान लीजिए आपका तो इस साल लगना नहीं है शायद, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आपकी स्कूल लगेगी नहीं, आप अपने से पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, आप रटोगे तो समझोगे तो है नहीं, कुछ बच्चे हैं जो समझते हैं, बट टेंथ जो है तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस टेंथ को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सभी चैनल्स की, सभी एजुकेशन, उनको डिटेल्स हर चीज़ चाहिए, तो डिटेल्स प्रोवाइड कौन करता है, सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट।
अब 10th के लिए बनेगा सिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट। तो चलिए तब तक के लिए आपको ये तो पढ़ाई दूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आप चिंता नहीं करिए, आपका सिलेबस तो कंप्लीट कराया ही जाएगा। अब देखिए आगे देखता हूँ, तो भाषा साहित्य और विज्ञान क्या कहता है उस पीरियड में। उस पीरियड में वो यह कहता है कि जो टेम्पल मंदिर हुआ करते थे, मॉस्क हुआ करते थे, वो एजुकेशन को प्राइमरी लेवल में डिस्कस किया करते थे, यानी प्राइमरी लेवल में थे। और सम प्लेसेस में प्राइमरी स्कूल्स भी हुआ करती थी, जो आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम 1 to 8। ओके सेकंड क्या है, देवर प्रोविजंस फॉर हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन लाइक टू टॉल कॉलेजेस एंड मद्रास। जो मद्रास और कॉलेज वगैरह होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, थोड़ी बहुत हुआ करते थे, उनका प्रोविज़न चल रहा था काम करने का। थर्ड क्या है, थर्ड है द मेन लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत पीरियड वाज परजियन। जो मेन लैंग्वेज थी सल्तनत पीरियड की वो परजियन में थी। द इफेक्ट ऑफ विच वाज फेल्ट ऑन द इंडियन लैंग्वेज, और इसी कारण है जो भारत की लैंग्वेज है वो टूट गई। मैनी परजियन वर्ड्स बिगिन टू यूज इन इंडियन लैंग्वेज, और हमारी जो लैंग्वेज है या ये कहें हिंदी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश और थोड़ी बहुत हम लोग इंग्लिश संस्कृत भी बोलते हैं, तो परजियन जो है इसमें घुस गई है ना, आके टपक पड़ी। अब देखें फ्रेंड्स, चलिए है आपका 4 नंबर, अ न्यू लैंग्वेज उर्दू डिवेलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। उर्दू जो है इसी पीरियड में डिवेलप की गई थी, बनाई गई थी। विच वॉज मिक्सर ऑफ हिंदी एंड परजियन, जो देख लीजिए जो हिंदी मिक्सचर ऑफ 1 मिनट, मान लीजिए मैंने अभी जो आपको बताया इधर परजियन लैंग्वेज, परजियन परजी एन ठीक है, इधर से भिड़ गई और इधर जो है, तो हिंदू तो भाई कहते हैं अरे तुम भिड़ोगे तो हम तो भिड़े गए, बिकॉज आई एम हिंदू, हिंदू आई एम, बी आर हिंदू, ओके वी आर हिंदूज। और इधर जो है तो हिंदू कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, बिकॉज हम तो पहले लड़ते नहीं और जो लड़ता है उसको छोड़ते नहीं। अब देखो टक्कर भिड़ गई और यहाँ से जीत क्या मिली कि दोनों बराबर, बट एक आ गया यहाँ पे नई पीढ़ी जिसे हम कह सकते हैं उर्दू। ये दोनों मिक्स हो गए, कहते चलो हाथ मिला लेते हैं और नया काम करते हैं हम लोग, किस क्षेत्र पे, उर्दू के क्षेत्र पे। तो इन्होंने मिलकर किस काम, किस पे काम किया, उर्दू के क्षेत्र पे मिलकर, किस पे काम कर दिया, उर्दू के क्षेत्र पे, ऐसा कह सकते हो आप। चलिए तो यहाँ पे जो है तो हम 5th नंबर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो चलिए देखता हूँ आपका ये जो चल रहा है आपका यहाँ पे, वन मिनट। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब चलिए इधर जो है आपका, द ग्रामर ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज सिमिलर टू हिंदू बट इट्स वोकैबुलरी, या ये कि ये शब्द जो होते हैं वो अलग थे, उसके जो लैंग्वेज उर्दू के थे और हमारे हिंदू के जो लैंग्वेज थे वो एकदम सेम थे, उसमें कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं मेंटेन करनी पड़ती थी, बिकॉज वोकैबुलरी जो था वो कठिन होकर, बिकॉज उनकी तो अलग थी वोकैबुलरी, हमारी अलग थी, उनकी परजियन की थी, हमारी हिंदी लैंग्वेज की थी, दोनों कंफ्यूज हो जाते थे कभी कभी। अब सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड रीजनल लैंग्वेज फ्लोरिश्ड एंड एक्सलेंट लिटरेरी वर्क वॉज क्रिएटेड। इस समय क्या किया गया कि रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इस शहर पे ये लैंग्वेज, इस शहर पे ये लैंग्वेज, इस शहर पे ये लैंग्वेज बोली जाएगी, ऐसा कर दिया गया और ये बहुत ही अच्छा माना गया उस समय पर। ओके अब देखते हैं हम लोग, और हमारा 7 नंबर है, इन सम हिंदू हिंदू किंगडम्स लाइक विजयनगर संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, वेरियस संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन वेरियस इंडियन एज वेल एज अरेबिक एंड परजियन इंडियन लैंग्वेजेस आल्सो, बिकॉज
देखिए, सम हिंदू किंगडम थे, यानी कि विजयनगर वाले जो किंगडम थे वो संस्कृत की कोर्ट लैंग्वेज थे, और बहुत सारे संस्कृत की बुक्स भी थी, ट्रांसलेट की गई थी इंडिया के जो अरेबिक में है, पर्शियन में कर दी गई थी उस समय पर। ओके, अब चलिए देखता हूँ 8 नंबर। एट नंबर क्या फ्रेंड्स? तो ये है, 8 नंबर पे हम आ गए हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट वर रिप्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब कि जो पेपर हुआ करते थे उनका इंट्रोडक्शन इसी पीरियड से हो गया, और ओल्डेस्ट अवेलेबल भी थे थोड़ी बहुत, पर इस पीरियड ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे इस कंट्री पे। द फेमस फिलोसफर एंड राइटर ऑफ द पीरियड अमीर खुसरो एंड उर्दू, है ना, इस पीरियड के फिलोसफर या कवि कहें तो बहुत अच्छे हुए अमीर खुसरो, और जो कि उर्दू लैंग्वेज को बिलोंग किया करते थे। अब चलिए, पर्जियन एंड हिंदी इन हिज राइटिंग, पर्जियन और हिंदी उनकी क्या थी, राइटिंग थी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम राइटर, और वो फर्स्ट मुस्लिम राइटर यानी कि ये कहें कि लेखक हुए। हु यूज्ड हिंदी एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क, जो कि वो हिंदी यूज़ किए थे, सोचिए मुस्लिम होके हिंदी यूज किया करते, बल्कि उनके लिए उर्दू बना था। क्या बना था उनके लिए? उर्दू। अब देखें, द फेमस राइटर ऑफ द पीरियड एंड देयर क्रिएशंस आर लिस्टेड बिलो, नीचे दिए गए जितने भी क्रिएशंस हैं वो किसके हैं, हमारे फेमस राइटर के, जो कि मुस्लिम हुआ करके भी हिंदी के काम किया करते थे। अब चलिए आपको बता देता हूँ, आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ। श्रीनाथ फर्स्ट क्या है? श्रीनाथ हरिविलास। श्रीनाथ ने क्या लिखा? हरिविलास। इस पीरियड के बहुत ही महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत अमीर खुसरो पहेलियाँ मुक्रियान, है ना, मुक्रियान। नरपति नौल विशाल देवरासु एंड खुमान रासु, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। विद्यापति कुपलेट्स इन मैथिली लैंग्वेज, ओके। देखिए अमीर, इसमें ब्लू पॉइंट्स में लिखा, अमीर खुसरो एंड अमीर दहलवी, दहलवी लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, है ना, लोग रहते थे। खुसरो वाज द नोन एज फॉर हिज राइडल्स, और इनके राइडल्स कॉपलेट्स और कब्बाली के अमीर खुसरो को ही जाना जाता था। अब देखिए मेडिसिन की ओर देखते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन के बारे में, है ना, मेडिसिन क्या होती हैं, मतलब इस ज़माने में ये कहो कि मतलब इसमें मेडिसिन का क्या रोल था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन एंड अजीमुद्दीन वर द फेमस फिजिशियंस, ओके। देखिए मौलाना बदरुद्दीन जो थे, मौलाना सदरुद्दीन जो थे, अजीमुद्दीन, ये फेमस फिजिशियन हुए थे। मचेंद्र एंड जोग वर द फेमस सर्जियन, और मचेंद्र और जोग जो थे फेमस सर्जियन थे बर्नी के बुक के, ओके, जो और इन्होंने बर्नी बुक भी लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th में आता है फ्रेंड्स, ओके, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, है ना। हैज अ गिवन लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिजिशियंस, ओके, एंड जो है तो अगले पेज पे है, तो मैं अगला पेज ला लूँ। हेलो, तो चलिए यहाँ एस्ट्रोनॉमर था और एस्ट्रोनॉमर बने हैं, तो यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 अगली बार आ जाएगा, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।